आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने कैनवा में थंबनेल को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैनवा पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका कैनवा खुल जाएगा। इसमें हमने एक देखिए थंबनेल ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन नए के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए क्या क्या फैसिलिटीज में टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो प्री मेड टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट मीन्स एक प्री मेड डिज़ाइन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी थंबनेल को बनाने के लिए। तो इसमें ढेर सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी, आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए जिसमें ये बना हुआ है क्राउन, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन है। जब आप इसको लाइसेंस ले लीजिएगा तभी आप इसको यूज़ कर पाइएगा। तो ऐसा टेम्पलेट लीजिए जिसको आप यूज़ कर पाइए। तो यहाँ पे देखिए एक ये है, हमें लग रहा है कि ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ये प्रो वर्जन नहीं है। तो और या ये है आपका जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्रो वर्जन नहीं है। तो जो प्रो वर्जन नहीं है उसमें से कोई एक हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके पहले ये जान लें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स में आप एरो, फ्रेम, लाइन, यूट्यूब के डिफरेंट पिक्चर्स, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अपलोड में आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कुछ पिक्चर जो हमने फर्स्ट थंबनेल बनाने में यूज़ की थी। यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के फॉन्ट आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नया टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट पड़े हुए हैं, आप जो यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो में आपका बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड आप डिफरेंट बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए प्री मेड बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए प्रो वर्जन वाले आप नहीं यूज़ कर पाइएगा, उसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा या कुछ पे करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज़ कर पाइएगा। तो प्रो वर्जन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और तब आप उसको यूज़ कर पाइएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमारी एडवाइस है कि आप फ्री वर्जन यूज़ करिए और पहले उसको सीखिए कि वो कैसे इस पर काम करती है। फिर आपका आया गूगल ड्राइव में, अगर आपकी कोई पिक्चर है तो वहाँ से लग सकते हैं, और मोर में आपका इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपको मोर फ्रॉम कैनवा मिलेगा, जिसमें स्टाइल मिलेगी, डिफरेंट स्टाइल ये देखिए मिल जाएगी, ये देखिए डिफरेंट स्टाइल मिलेगी। फिर आप रिसाइज कर सकते हैं उसको, और यहाँ पर आप डिफरेंट ढंग से इसको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोई टेम्पलेट लेते हैं। ये प्रो वर्जन है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि नॉन प्रो वर्जन कौन सा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वाला लें तो इसमें क्या है, इसमें आपका मनी से रिलेटेड है, अर्न ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग भी नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग का अर्न ऑनलाइन से नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये वाला लें तो कैसा रहेगा, तो यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो हाउ टू मेक ऊबर रोस्टर केक के लिए, यहाँ पर ये वाला अगर लें तो इसमें देखिए कम लिखा हुआ है, तो आपको कम लिखना पड़ेगा और आपका थंबनेल दिखेगा। इसको हम नीचे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये फिर आपका थंबनेल जो है आपका छुप जाएगा। तो बेस्ट फ्री लिखा हुआ है, हम बेस्ट फ्री, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फ़ोटो लाएंगे, फ़ोटो में या मोर करेंगे, मोर में या अपलोड में हमने दिया था फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो हम अपनी ला सकते हैं और इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फोटो को लाएंगे, अब ये देखिए आपकी फोटो रिप्लेस हो गई। यहाँ पर बेस्ट फ्री में
आप लिख सकते हैं आपके मनपसंद का टेक्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं कैनवा और ट्यूटोरियल। अब क्योंकि ये वाला जो है आपका यहाँ से ये हटाना कोर्सेस, तो इसको छोटा कर सकते हैं फॉन्ट को, क्योंकि हमको इसको छोटा करना है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर 96 कर दें तो क्या होगा, ये हो गया थोड़ा छोटा, कोर्सेस को थोड़ा नीचे किया। अब ये वाला जो है ये थोड़ा ऊपर करें, अपने हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप एडजस्ट करिएगा तो ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरफ करिएगा तब उसके नीचे आएगा। इसी तरह इस वाले को क्या करना है हमको, इसके नीचे जो है इसको इसको बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको इस तरह से करना है और इसको बढ़ा देना है जिससे हमारा कनवा ट्यूटोरियल इसके अंदर आ जाए और यहाँ से इसको ऊपर कर देना है। अब यहाँ पे कोर्सेज जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखा लिखाया डिफरेंट फॉन्ट की चीज मिल जाएगी और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको यूज करिए। अब यहाँ पे कोर्सेस की जगह हम लिखना चाहते हैं चेंज चेंज योर लाइफ बेस्ट फ्री कैनवा ट्यूटोरियल लाइव। अब इसको भी हम छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको छोटा करेंगे हम लोग, 72 कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, इसको 72 कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। चेंज योर लाइव विथ अब यहाँ पर इसको हम चाह रहेंगे कि ये पहले आए और ये बाद में आए, तो इसको नीचे उठाकर कर देंगे और इसको बड़ा करेंगे इसको उठा के ऊपर कर देंगे। अब ये बिल्कुल हल्का दिख रहा है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके पीछे का कलर जो हम लोगों को चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है बैकग्राउंड इफेक्ट, ये आया कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ये करते हैं तो ये आ जाएगा, तो इसको करके आप देखिए कि आपके लिए कौन सूटेबल है, उसको यूज़ करिए आप। ये देखिए कैनवा ट्यूटोरियल, अब ये प्रॉपर आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं
क्यों? क्योंकि हमारा कैनवा ट्यूटोरियल जो आ रहा है वो थोड़ा सी नीचे आ रहा है। अब ये आपका चेंज योर लाइफ विद कैनवा ट्यूटोरियल, बेस्ट फ्री कैनवा टू, लेकिन ये उल्टा हो, चेंज योर लाइफ विद बेस्ट फ्री, ये यहाँ से इसको चेंज ही कर दो, चेंज योर लाइफ विद, ये पूरा नीचे कर दो, ये ऊपर करना है। तो इसको इसकी साइज जो है हम छोटी कर दें, इसकी साइज 7.2 करा, अब सही हो गया। अब ये जब सही हो गया तो यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसका बैकग्राउंड जो हमने चेंज किया था टेक्स्ट कलर वाइट ही ठीक है, और इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। इस तरह से आप अपने चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब इसको नीचे कर देंगे तो आपके डिज़ाइन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी और आप कोशिश करिए कि टेम इसमें कम से कम लिखिए। छूट गया, इसको उठाकर नीचे करना है। अब ठीक हुआ, बस फ्री इसको रेड वाले पे कर दें, इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसका बैकग्राउंड हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो बोल्ड इटैलिक ये इफेक्ट में गए थे ना हम लोग, ये आए थे और क्या था एनिमेट पोजीशन, टेक्स अपलोड एलिमेंट 5, अपलोड टेक्स फोटो स्टाइल, ये था है ना। तो इसका जब ये करेंगे तो गोथिक वोथिक आ रहा है, इसको उठाकर यहाँ पर
इसको डिलीट कर दिया, इसको उठाकर ये लगाया। तो इस तरह से आपका ये देखिए चेंज योर लाइफ विद बेस्ट फ्री कैनवा ट्यूटोरियल बन गया। और अब आप इसको सेव कर सकते हैं। कैनवा ए ज्यादा आ गया है तो इसको हटा दो, कैनवा ये बना। अब अगर आप कैनवा का लोगो लगाना चाहते तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैनवा का लोगो पहले से बनाना पड़ेगा और उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कैनवा में थंबनेल बना सकते हैं। अब ये जो थंबनेल बन गया है इसमें ये देखिए इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसके टेम्पलेट लगा सकते हैं, इसमें स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं। अभी आपको हमने दिखाया था, इसको अगर सेलेक्ट करके ये करिएगा तो देखिए इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट आप लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये वाला लिया था हम लोगों ने। तो अभी हम लोग इसको वापस करते हैं, ये वाला भी लिया था हम लोग ने इसलिए नहीं ले रहा था। ये यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। ये अभी हम लोग ब्लैक ही लेते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ से राउंडनेस स्प्रेड ये सब देखिए, यहाँ से ये राउंड जो आ रहा है इसी से आ रहा है। इसको अगर ये देखिए ये इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं कितना बड़ा रखना है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर हम लोगों का ये वाला था तो ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पे शायद वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो हम लोग ब्लैक ही रखेंगे। ये देखिए डिफरेंट कलर आप कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्लैक ही रखना चाह रहे हैं तो ब्लैक ही रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए इसको राउंड भी आप कर सकते हैं कैनवा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये रख सकते हैं, इसको यहाँ भी फिक्स कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें काम करते हैं उस हिसाब से। ये देखिए इनका ये था ना, और इसका कलर अगर आपको ब्लैक की जगह ये वाला रखना है तो आप ये कर दीजिए। अब ये आया, ये वाला लिया हम लोग ने, और इसका बैकग्राउंड हम लोग ने चेंज किया था ना इफेक्ट में जाकर, इफेक्ट में यहाँ पे बैकग्राउंड अब ये लिया और कलर चेंज कर सकते हैं। हॉलो, नॉन शैडो, लिफ्ट, इको, स्प्लाइस, स्प्रेड, ट्रांसपेरेंसी अभी हम लोग ने यहाँ से किया था, कलर लिया यहाँ से इसको, ये वाला कलर है। तो कैनवा ट्यूटोरियल हो गया। अब ये जब हो गया कर्व कर दिया, कर्व 100% कर्व है, कितना आपको करना ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, नियॉन कर सकते हैं इसको, तो नियॉन अच्छा नहीं लग रहा, हॉलो कर सकते हैं। तो हमें तो यही चाहिए बैकग्राउंड वाला जिसमें कलर हमारा जो हमारे पीछे वही आए। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब इसको कैसे सेव करेंगे, तो सेव एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिंक बना सकते हैं आप, तो लिंक अगर आपको अपने उसका डालना है वीडियो का तो यहाँ से लिंक डाल सकते हैं, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे, लेकिन इस समय यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये PNG रहे और आपके वीडियो के वो थंबनेल के साइज़ का हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, कंप्रेस फाइल कर सकते हैं आप और सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर पेज नंबर 3 है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा और सब हटाना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड पेज वो डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर इसको डन किया और फिर इसको डाउनलोड करा। तो इस तरह से आपका थंबनेल
बन जाएगा और आप इजीली काम कर पाइएगा। अब ये बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपका फाइल सेव हो गया। अब हम इसको चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे सेव कर दें और यही वाला हम लोग थंबनेल अपने वीडियो पर लगाएंगे। यहाँ से अब आप अपग्रेड करते हैं, पैसा देते हैं तो आपका ये अपग्रेड हो जाएगा और आप ज़्यादा फैसिलिटी प्रो वर्जन भी यूज कर पाइएगा। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। अगर आपको कुछ और भी इसमें सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा तो हमें पता लगेगा कि आपको और क्या इसमें सीखना है। और बहुत सी चीज़ें अभी इसमें हैं तो आप सीख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।